नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, फाइनली ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और जैसे ट्रेलर रिलीज हुआ लोगों पे और यूट्यूब पे इसका कब्जा हो गया। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे इस ट्रेलर को रिलीज करते ही इसके 1 मिलियन व्यू होने में इसको थोड़ा भी टाइम नहीं लगा। और दोस्तों, जब तक मैं वीडियो कम्प्लीट करूँगा जब तक हो सकता है इस ट्रेलर के 5 या 10 मिलियन व्यू हो जाए, क्योंकि दोस्तों ट्रेलर बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही शानदार। और ट्रेलर में जो सबसे बड़ी चीज़ और जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ है वो है अमिताभ बच्चन सर। जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर में अगर सबसे ज़्यादा किसी का कैरेक्टर मुझे दमदार लगा तो वो है अमिताभ बच्चन सर का। वही आमिर खान सर भी इसमें जो मल्ला के किरदार में नजर आ रहा हो वो भी गजब का है और बहुत ही शानदार तरीके से, एक तरह से फनी कैरेक्टर भी और एक तरफ से सातिर कैरेक्टर भी है। वही बात करें सना खान की, दोस्तों सना खान का गजब का उनका जो लुक है इसमें और जो उन्होंने जिस तरह से एक्सप्रेशन दिए वो वाकई लाजवाब है। यूँ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये लड़की बॉलीवुड में राज करने वाली। वही दोस्तों बात करें कैटरीना कैफ के कैरेक्टर की, तो कैटरीना कैफ का कैरेक्टर उतना ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है। हो सकता है कि उनके कैरेक्टर को लेकर फिल्म की स्टोरी कुछ रिवील हो सकती है, इसलिए उनके कैरेक्टर को ज़्यादा नहीं दिखाया। उनका कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा फिल्म में खास। तो दोस्तों, अब जैसे ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ इसमें सब कुछ परफेक्ट है, यूँ कह सकते हैं कि ट्रेलर में एक भी बुराई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वहाँ से लेकर जो इसके VFX है या यूँ कहे जो इसका टोटल मतलब A to Z हर चीज़ काफ़ी परफेक्ट लग रही है। तो अब दोस्तों, जैसे ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ तो अब लोगों का क्या काम है कि अब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर आ गया। अभी कुछ दिनों पहले आया था 2.0 का। तो अपने इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दो चीज़ों को कंपेयर करना है। जी हाँ दोस्तों, अब 2.0 टीजर रिलीज हुआ उसमें लोगों ने कमेंट करा कि टीजर अच्छा है, बुरा है, घटिया है, बहुत बढ़िया है, मतलब तरह तरह के लोग। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर 2.0 के टीजर से लाख गुना अच्छा। वही कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि 2.0 का टीजर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के ट्रेलर से लाख गुना अच्छा है। तो दोस्तों, इन लोगों का क्या काम है, इधर भी बुराई करना है, इधर भी बुराई, एक को नीचा गिराना, दूसरे को ऊपर उठाना। दोस्तों, इससे कुछ भी नहीं होता। जो लोग इन दोनों ट्रेलर को कंपेयर कर रहे हैं, यानी टीजर और ट्रेलर को कंपेयर करो, उनको मैं सीधा बता दूँ, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान उसमें है अमिताभ बच्चन, आमिर खान जो कि टॉप कलाकार है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, वही आमिर खान कंटेंट मूवी देने में माहिर है। वही अगर बात करें 2.0 की तो उसमें है रजनीकांत, यानी साउथ के देवता एक तरह से कह सकते हो, उनकी लोग पूजा तक करते हैं और जो उनका ओवरसीज में उनका मार्केट है उनका कोई तोड़ नहीं है। तो एक तरह से वो भी अमिताभ बच्चन के मतलब एक ही लेवल पे हो गए, दोनों ऊपर नीचे नहीं। वही अगर बात करें अक्षय कुमार की, तो जिस तरह आमिर खान कंटेंट वाली मूवी देते हैं वैसे ही अक्षय कुमार भी कंटेंट वाली मूवी देते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है दोनों का, दोनों में स्टार कास्ट काफ़ी तगड़ी है। दूसरी बात रही इस फिल्मों की हीरोइंस की, दोस्तों दोनों फिल्मों की हीरोइंस नल्ली है, दोनों को एक्टिंग नहीं आती। जहाँ कैटरीना के उसके तो क्या बोलना है, एक्सप्रेशन ही नहीं आते। वही बात करें एमी जैक्सन की, तो उसको भी क्या एक्टिंग आती है, हमने देख लिया सिंगल्स ब्लिंग और आई जैसे मूवी में। लेकिन जो जो इन दोनों फिल्मों को जो मेन डिफरेंस बनाती वो होता है फिल्म का डायरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी हो, फिल्म का म्यूज़िक कितना भी अच्छा हो या फिल्म में एक्टर्स कितने भी अच्छे हो, जो मेन रहता है फिल्म में वो होता है डायरेक्टर। क्योंकि उसी के ऊपर रहता है कि उसे किस एक्टर से कैसा काम निकालना। अब अगर वो कोई सस्ता सा एक्टर होगा तो उससे भी अगर अच्छा काम निकालना जानता होगा तो अच्छा निकाल लेगा, लेकिन अगर कोई बड़े सुपरस्टार को ले लेगा और डायरेक्टर ही फुस रहेगा तो उससे वो काम नहीं निकलवा पाएगा। लेकिन दोस्तों, इन दोनों फिल्मों के जो डायरेक्टर को कंपेयर करें तो जहां एक तरफ शंकर सर है जिन्होंने रोबोट, शिवाजी द बोस, अपरिचित, आई जैसी क्लासिक मूवी बनाई जो उनकी हर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नए झंडे गाड़े, यूं कहे इंडस्ट्री हिट हुई है। साथ ही साथ साउथ में तो उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती है, हिंदी में भी उन फिल्मों को काफी ज्यादा प्यार मिलता है। वही दूसरी तरफ अगर देखे जाए तो दूसरी तरफ है विजय कृष्ण आचार्य जिन्होंने बहुत ज्यादा लेजेंडरी मूवी बनाई है, जैसे अक्षय कुमार के साथ हो गई टसन, दूसरी उनकी फिल्म आई थी धूम 3। दोस्तों फिल्म चली तो थी, सुपर हिट क्या ब्लॉकबस्टर हुई थी, लेकिन हम जानते हैं कि वो फिल्म किसकी वजह से चली थी, सिर्फ और सिर्फ आमिर खान सर की वजह से। क्योंकि उनका स्टारडम इतना है कि वो अगर कचरा फिल्म भी उठा लाएंगे तो भी पब्लिक देखने जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि विजय कृष्ण आचार्य की पिछली दो फिल्में टसन और धूम 3 कैसे थी। तो दोस्तों, यहाँ डायरेक्शन में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इधर शंकर जैसे मास्टरमाइंड डायरेक्टर, वही इधर विक्टर यानी कृष्ण आचार्य है जो कि
छोड़िए क्या बताऊँ उनका, उन पर थोड़ा शक है। लेकिन दोस्तों उम्मीद इसलिए जागती है कि जिस फिल्म में आमिर खान इन्वॉल्व हो जाते हैं वो फिर डायरेक्टर कितना भी नल्ला क्यों नहीं हो, वो फिल्म की भागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं और इस फिल्म को हिट करवा के ही मानते हैं। तो दोस्तों जिस हिसाब से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर है उससे देख के यही लगता है कि इस बार कृष्ण आचार्य का तो सिर्फ नाम लिखा है डायरेक्टर के तौर पे, बाकी जो पूरा काम है वो आमिर खान सर ने संभाला है और उसी ने उन्होंने ही इस फिल्म को पूरा शुरू से एंड तक संभाल के रखा है और वैसे ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वही बात करें 2.0 के टीज़र की, दोस्तों टीज़र काफ़ी शानदार था उसका भी। जिन लोगों को उसका VFX से समझ नहीं आया था वो लोगों का क्या काम था, उन्होंने 360p पे टीज़र देखा और VFX में गलतियाँ निकालने लग गए, जबकि उस टीज़र को अगर आप 1080p या फिर 4K में देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में क्या VFX है। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों के ही टीज़र शानदार और दोनों फिल्में अपनी अपनी जगह परफेक्ट है। एक तरफ जहाँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉलीवुड की मूवी है, वही अगर देखा जाए 2.0 तो वो कॉलीवुड यानी तमिल की मूवी है। लेकिन दोस्तों जब दोनों चीज़ों को साइड में हटा दें और देखें तो दोनों ही इंडियन मूवी है। अगर दोनों फिल्में अच्छा कारोबार करती है और दोनों फिल्में बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है दोस्तों, इससे सिर्फ एक ही बात होगी, इंडियन सिनेमा का नाम ऊंचा रहेगा। इसलिए इन दोनों फिल्मों को लेकर झगड़ना बंद कीजिए, दोनों फिल्में अपनी जगह अच्छी है। अब इन दोनों फिल्मों के सामने जो सबसे बड़ा टारगेट है वो एक ही है कि बाहुबली 2 के रिकॉर्ड तोड़ना, जो कि टॉलीवुड की यानी वो भी इंडियन ही फिल्म थी। तो दोनों फिल्में यही चाहती है कि वो बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़े। अब वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या फिर 2.0। वैसे काफ़ी मुश्किल है कहना कि कौन सी फिल्म उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि बाहुबली ने सिर्फ इंडिया में 1000 करोड़ का कारोबार किया था, जो कि काफ़ी मुश्किल और काफ़ी बड़ा टारगेट है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म 1000 करोड़ इंडिया में कमाई करेगी, यानी कौन सी फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान या फिर 2.0? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।